मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की बेटमा में शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कई जगह भंडारों और भजनों के साथ पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। बेटमा नगर के सागर रोड स्थित चौधरी कॉलोनी में विशाल भंडारे का आयोजन लगातार 9वें वर्ष भी किया गया, तो कहीं घरों पर कन्याओं का पूजन किया गया। वहीं गांव धन्नड़ कलारिया में संत सिंगा जी का मेला लगता है। चौदस की रात को निमाड़ की प्रसिद्ध सिंगा जी के भजन गायिका मालती बाई मुंदी वाली के नाम से प्रसिद्ध है। उनके द्वारा संत सिंगा जी के जन्म से लेकर समाधि तक का विवरण गायन और अर्थ सहित वर्णन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पधारे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर पूजा करके तुलादान किया गया और भजन मंडली ने संत महाराज के भजनों का गान किया। गाँव में घर घर निशान की पूजा की गई और अंत में महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण भी किया गया और संत सिंगा जी भजन मंडली ने भी पधारे हुए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पैदा हुआ जब संग में कई लाया कई नहीं मकान खेती बाड़ी जमीन जायदाद माल गुजारी अरे बैंक बैलेंस वाह भाई वाह। अरे वो शरीर भी 9 महीना माता का घर बहन बढ़ाई घोड़ा को ढेर हो जाएगा एक गाड़ी लक्कड़ में महान बढ़ाई जैसे अरे 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 जब शरीर तुम्हारे संग नहीं जाता वाह भाई वाह। एक बिलास कफन को कपड़ो भी अरे लोग यहाँ उतार लेगा लोग कम आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के देपालपुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में शरद पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। नगर के बाजार चौक पर रामेश्वर हनुमान मंदिर परिसर, बस स्टैंड पर बालाजी मंदिर परिसर, मल्लार बाग हनुमान जी मंदिर परिसर, नरसिंह मंदिर परिसर, गोवर्धन नाथ मंदिर में दूध वितरण किया गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देवी माता मंदिर पर मां महिषासुर मर्दनी को 56 भोग लगाया गया। मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई। इस प्रकार नवरात्रि के दौरान देवी माता मंदिर परिसर में गरबा करने वाली बालिकाओं को पूर्व विधायक मनोज पटेल द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री भी उपस्थित थे। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।